एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने सोमवार को शाहपुर थाना अंतर्गत बनाए गए हॉटस्पॉट एरिया गोविंदपुरी आवास विकास कॉलोनी व मानस विहार कॉलोनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर ने एडीजी कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव पाए गए इंस्पेक्टर के घर के 5 लोगों को रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। इसके साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल मौके पर पहुंचकर उस स्थानों को सील कराकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्षेत्र में 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 की परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए परिधि सीमा को पूरी तरह से सील करा दिया गया। अब उस परिधि में आम जनमानस का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है तथा रोजमर्रा की सामानों की होम डिलीवरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, तिवारी होली हॉल के पीछे से उसका डिटेल नोट किए हाँ चलो हम रामगढ़ साहब के बता दे रहा हूँ ना ठीक हाँ बता देंगे जहाँ वो कुछ रह रहा था फातिमा वाला हाँ रामगढ़ साहब में रह रहा था रह रहा था किराए पर पहले तो बताया कि यहीं पर रह रहा था मैं आप पिता उसका बताओ आप हाँ बताओ रामगढ़ साहब बोल के उसको ठीक करा देंगे बात हुआ तो अभय से बताया कि ठीक कर दिया गया कहाँ अभय से बात हुआ था बताया ठीक कर दिया रामगढ़ साहब वाला कौन सी एरिया में तिवारी होगी थाना शाहपुर के अंतर्गत एक गोविंदपुरी कॉलोनी जिसमें एडीजे सर के यहाँ पे जो एक इंस्पेक्टर था उसके परिवार में 5 लोग और संक्रमित पाए गए। वहाँ हम गए तो गोविंदपुरी कॉलोनी वहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी लोगों को हमने रेलवे अस्पताल में शिफ्ट किया है। सैनिटाइजेशन का काम किया गया है और वहाँ 14 दिन के लिए सभी आवश्यक सेवाओं वस्तुओं की आपूर्ति डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराई जाएगी। इसके साथ ही थाना शाहपुर में आवास विकास कॉलोनी में जहाँ एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला था वहाँ पर भी गए, उसके कॉन्टैक्ट में आए हुए सभी व्यक्तियों को हमने शिफ्ट कर रहे हैं, उनका भी सैंपल लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मानस विहार कॉलोनी थाना शाहपुर में ही थी वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी वो व्यक्ति बता रहे हैं कि देवरिया से आया है तो उसका भी कॉन्टैक्ट ट्रेस किया जा रहा है और जो भी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए उनके भी हम सैंपल लेंगे। और 14 दिन के लिए इसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया 250 मीटर का और 500 मीटर का बफर जोन हमने क्रिएट किया है जिसमें सारे तरह के प्रतिबंध रहेंगे, सारे आवागमन को निरुद्ध किया गया है और सभी तरह की आपूर्ति डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी।